स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं नींद में हूँ अभी भी, और आज है 2 अप्रैल। तो अभी से ये एक पूरा महीना, नेक्स्ट मंथ का मेरे पास सिर्फ 4 दिन है। मैं नेक्स्ट मंथ को काउंट नहीं करूँगा, तो आप समझ लो कि और मेरे पास सिर्फ 28 डेज है, क्योंकि आज 2 अप्रैल। यहाँ पे देख लो, दिख जाना चाहिए ब्राइटनेस कम करके। तो सुबह के 7:41 हो रहे, मैं 8 बजे तक सुबह उठ जाता हूँ, और पहला मेन गोल ही रहता है कि फटाफट रूम से निकल जाऊँ, ज़्यादा देर तक बेड पे ना बैठूँ, फ़ोन नहीं चलाऊँ। और मैंने ये भी सोचा था कि मैं डेली भी ब्लॉग करता हूँ, बट बहुत दिक्कत हो जाता। एंड मेरा प्लान कुछ और था। मैंने सोचा था कि लास्ट के 10 दिन, लास्ट के 15 दिन मैं ब्लॉक करूंगा। तो अभी ये फिजिक है, तो और बेटर करने के लिए चलते हैं जिम। करना है मुझे 1 घंटा एम्प्टी स्टमक कार्डियो। जिम भी यहाँ से कुछ 700 मीटर्स दूर है, तो वॉक करके जाऊँगा। बट चलते हैं। तो उठना किसी को पसंद नहीं है। आपको लगता होगा कि डेडिकेशन 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 कुछ नहीं होता है, डिसिप्लिन। आपको कभी मन करेगा कुछ करने का, कभी मन करेगा कुछ ना करने का। तो मोटिवेशन मैं नहीं मानता हूँ, मोटिवेशन तो भाई कोई भी ले सकता है। आप एक वीडियो देखोगे यूट्यूब पे तो आपको मोटिवेशन आ जाएगा। डिसिप्लिन डेली करना, ऐसे भी करना, कुछ हो ना हो तो भी करना, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरे लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं फटाफट। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बॉडी बिल्डिंग डिसिप्लिन का ज़्यादा गेम है। आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है वेट उठाने में वो मैटर नहीं करता, वो आपका प्लस पॉइंट ज़रूर रहेगा आपका बॉडी के लिए, बट डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सो नींद में हो, जब तक ठंडा पानी का छींटा नहीं पड़ते तब तक नहीं हो पाएगा। चलते हैं। यहाँ पर गाइस आपको लाल लाल दिख रहा होगा, एक्चुअली ब्लड है। इतने से वीडियो नहीं बना रहा था, और आज जिस दिन मैं सोचा वीडियो बनाऊँ उस दिन ये हो गया। तो ये रेड ब्लड है, मेरे एक नोज से ब्लीडिंग होता है जब क्लाइमेट चेंज, गर्मी मुझे ज़्यादा लगती है तब। मेनली गर्मी में ही होता है घर पे भी, एंड मालूम नहीं आज तो उतना गर्मी है भी नहीं, फिर भी क्यों हो रहा है। तो ये भी ऐसे उतना उतना स्पीड में है नहीं, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सो मैं थोड़ी देर इसको लेटता हूँ, अपने सर को ठंडे पानी से धोता हूँ, और उसके बाद जिम चलते हैं। सो ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं है, मेरा लाइफ का पार्ट है, बचपन से होता है मेरे साथ। बट ऐसा हो गया कि जिस दिन मैं वीडियो बना रहा था आप लोगों के लिए उस दिन नहीं होना था, बट कोई नहीं, अब हो गया तो भाई ये भी दिखा देते हैं। टॉवल भी ख़राब हो गया, कोई नहीं, तो थोड़ा सा इसको सूखने ही देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने मुंह धोया ना पानी हल्का अंदर भी गया, तो वो आने लगा बाहर। ज़्यादा देर खड़े होकर मैं बात करूँगा तो वो और स्पीड में नीचे आएगा। मैं कुछ देर लेटता हूँ, फिर 15-20 मिनट बाद जिम जाऊँगा। अभी 8 बज गए हैं, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। 7:53 हुआ है, 8 बजे है, 8:15 तक निकल। सो गाइज मैंने कुछ देर वेट करा, बट अब दिक्कत नहीं है, तो सोचा कि रूम में रह के फ़ायदा नहीं है, फटाफट चलते हैं। बिकॉज आई हैव सम, अभी आके मुझे 2 वीडियो YT के पड़ी हैं, वो एडिट करना है। आज मंथ का स्टार्ट है, तो मैं मंथ का स्टार्ट क्या करता हूँ, जो भी मेरे ब्रांड शूट रहते हैं या कुछ भी काम रहता है क्लाइंट्स का, न्यू क्लाइंट्स जो आते हैं उनको, वो सारे काम मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आज एक है, तो 2 तारीख है आज, फटाफट वो सब काम करना है। और किचन का हालत भी थोड़ा सही नहीं है, कल मैं खाना बना के वॉक करते करते लेट हो गया था 11:30 तक। और मैं प्लान रखा हूँ अभी ये मंथ कम से कम मैं 12 बजे तक सो जाऊँ, जब मैं आजकल अकेले जा रहा हूँ और जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। सो प्लान रहता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, और वॉक करने में टाइम नहीं मिलता था पहले, बट नाउ एवरीथिंग इज़ गुड। तो इस वीडियो के बाद आपका रिव्यू क्या रहेगा बताना, एंड वो 15 डेज में एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग, या डाइट प्लान का दिन, और वो लास्ट का दिन बहुत टफ होता है, जो भी एक एथलीट है वो समझ सकता है, और एक जो नॉन एथलीट है वो देख के समझ लेगा। आज आप लोगों ने कुछ देखा तो आपको थोड़ा सा मेरे ऊपर दया आ रहा होगा, बट दया की बात नहीं है, बचपन से होते रह रहा है।
तो इट्स नॉर्मल फॉर मी। वही है कि मैंने रुकना, कहीं भी रुकता नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ भी होता है अकेले रहता हूँ, तो घर से दूर हूँ। एक पर्पस के लिए यहाँ पे आया हूँ, एक पर्पस है लाइफ में, तो उसके लिए घर से दूर रहना भी बनता है कभी कभी। आप अगर सोचोगे कि लाइफ में सारा चीज़ कंफर्ट लेवल पे मिल जाएगा तो नहीं है, भगवान आपको स्ट्रगल भी देगा, उसके बाद ही आपको रिवॉर्ड देगा। यही बिलीव करता हूँ, मेरे लाइफ में कुछ भी होता है, कुछ भी डाउनफॉल होता है या दिक्कतें आती हैं, तो मुझे लगता है कि भाई ही इज टेकिंग द एग्ज़ाम, और भगवान आपसे को एक एग्ज़ाम आपको पनिश कर रहा है या आपको एक टास्क दे रहा है कि भाई ये बंदा खड़ा रह पाता है कि नहीं। मैं सोचता हूँ कि भाई खड़ा रह जाऊँगा मैं। तो अब हो गया है 8:10, मैं 5 मिनट पहले निकल रहा हूँ, तो फटाफट चलते हैं। मेरा प्री वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, मैं क्या करूँगा ना, इसके छोटे वाले बॉक्स में ये है ग्लूटामाइन, सो ग्लूटामाइन में मैं ऐड कर लेता हूँ स्कूप ग्लूटामाइन। ये मैं ग्लूटामाइन इसमें क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जिम जाऊँगा और रास्ते में से 2 रुपया कॉफ़ी उठा लूँगा और उसको पीऊँगा, वो है मेरा प्री वर्कआउट, क्योंकि मैं शाम में ट्रेनिंग करता हूँ, शाम में भी एक बार मुझे पीना पड़ता है। यह है लेमन जूस, मतलब ये लेमन एक्सट्रैक्ट करके एक बॉक्स में है, तो मैं बस इसको 2-3 ढक्कन डाल लेता हूँ, ऐसे ही रैंडमली डाल लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, नींबू ही है, ठीक है बस। तो ये लेके अच्छे तरीके से जिम चलते हैं। मैं कैमरा लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कैमरा ट्राइपॉड लेके जाना और वहाँ से वीडियो करूँगा। जिम आ गया है और कार्डियो कर रहे हैं, अभी 36 मिनट हो रहा है टोटल। मैं अभी इस वीक से 50 मिनट्स कर रहा हूँ एम्प्टी स्टमक में, और गोल यही है कि 8,000 से 10,000 तक स्टेप्स सुबह में कंप्लीट कर लेना, उसके बाद एप्स भी करना है, तो फटाफट हम भी करते हैं। मैंने ब्लैक कॉफ़ी इसी में पिया था और मैं यही करता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी ले कर रख लेता हूँ और वॉक करते करते कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी दिखा देते हैं कितना हुआ है एंड अभी 36 मिनट हुआ है, 50 मिनट्स करूँगा देन मिलता हूँ आगे। एक बहुत बढ़िया चीज़ लगती है मुझे ये जिम में सुबह ट्रेनिंग करने के लिए, जब मैं कार्डियो कर लेता हूँ तो मैं शर्ट अपना उतार लेता हूँ, ये मुझे एब्स ट्रेन करना पड़ता है, और वो मिरर में देखने के बाद थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो मैं विदाउट शर्ट आराम से अपने एब्स को देख के पोजिंग करते करते बीच में और वर्कआउट करता हूँ, फील लाइक कि मैं खुद का जिम में कर रहा हूँ जो मेरे घर पे है, तो वो कनेक्शन बना रहता है। एंड शर्टलेस ट्रेनिंग आप हर जगह जिम में नहीं कर सकते हो, स्पेशली कमर्शियल जिम में, बट यहाँ कोई रहता नहीं है सुबह 8-9 बजे के बाद, तो मैं ट्राई करता हूँ 9 बजे के बाद तक, 9 बजे तक अपना कार्डियो कंप्लीट कर लूँ, सो दैट मैं ट्रेनिंग जो है वो शर्टलेस करूँ और उसका बेनिफिट बहुत बढ़िया रहता है। सो गाइस जी, वापस आ गया हूँ। टाइम आपको दिख रहा है कि नहीं, 8 बजे घर से निकला था, ठीक है, और 8 बजे घर से निकला था, 11 बजे आया हूँ। अब फटाफट मील बनाना है, मील बनाना है एंड एडिटिंग करना है, बहुत बड़ा काम है, तो अभी आपसे मिलते हैं मील बनाते बनाते। और क्या मैं खाने वाला हूँ, सो अभी गर्मियाँ आ चुकी है तो आप देख रहे होगे थोड़ा सा स्वेट भी लग जाता है इसमें, तो ठीक है कोई नहीं, अभी फटाफट मील प्रेप करते हैं। अब एनर्जी नहीं बचता गाइस, कार्डियो करने के बाद ना मन करता है कि खाऊं और सो जाऊं, बट काम बहुत है करना मुझे ही है, तो लेट्स गो, आपको भी दिखाते हैं बाकी बॉडी कैसी हो रही बताना ज़रूर। तो ब्रूनो बैठ के वेट करता है कि मैं इसको कुछ खाने के लिए दूंगा अभी। ओह, सबसे पहला काम रहता है फटाफट अंडे बॉईल करने का, क्योंकि पहला मील मेरा वही होता है, तो मैं सबसे पहले आज का जो मेरा प्लान है वो है अभी अभी का है। भगवान फूटने गया हूँ क्या गाइज, जल्दी बाजी के चलते मेरा 4 रुपए का नुकसान हो गया, बताऊँ सुबह सुबह। कोई नहीं, 4 रुपए से ज़्यादा, 4 रुपए प्रोटीन का, 4 ग्राम प्रोटीन का, 2 4 2 2 4 2 6 7 8 9 10 अंडे भी छेद में मिल रहे भाई, कोई सेफ नहीं है आज के डेट में, क्या बोलूँ अब, अंडे में छेद पहले से है, समझ लो किसकी बात हो रही है, इसलिए सिंगल रहो बचे रहोगे। सो 10 अंडे, और इसको मैं डाल दिया पानी और कुकर दिया ऑन, अभी बज रहे हैं 10 से 15 मिनट में राइस कुकर में अंडे बॉईल हो जाएंगे, तब तक मैं बर्तन धो लेता हूँ। एक्चुअली ये काम मुझे रात को कर लेना चाहिए था, बट
कल ऐसा हो गया था कि कल मैं जब जिम से निकला था तब मैंने सिर्फ 9,500 स्टेप्स कंप्लीट किए थे। मतलब सुबह से शाम तक मैं बहुत कम वॉक किया हूँ, किया था कल। बट फिर मैं जब घर आया तो मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो थोड़ा सा मैंने चार्ज किया फ़ोन को, देन स्टेप्स करने चला गया। क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि स्टेप्स करते करते कुछ काम कर लूँ, तो मेरे क्लाइंट्स के जो भी रिव्यूज़ रहते हैं वो मैं स्टेप्स करते करते ही करता हूँ। सो वो काम करा, वो काम करते करते टाइम हो गया था, एंड बस वही घर में रहने से ये सब एडवांटेज था कि मम्मी हेल्प कर देती है। बट आप अपने घर वालों को अपने ड्रीम के लिए कब तक पुश करवाओगे? करना तो आपको है क्योंकि आपने इस लाइफ को चूज़ किया है। सो आदत डालो खुद से करने का, बाकी आई एंजॉय इट। एंड ऐसा होता है जब मैं घर में रहता हूँ तो मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी आप कर दो, जबकि मैं कर सकता हूँ बट फिर भी मैं मम्मी को बोलता हूँ कि आप कर दो। सो बुरी चीज़ है क्योंकि एज एन ह्यूमन बींग कोई काम करना चाहता नहीं है। अगर किसी को बैठे बैठे पैसे मिले तो वो काम नहीं करेगा, बट अगर आप अकेले रहोगे तो भाई पता है आपको ये काम खुद ही करना है। सो ये सब मैं कंप्लीट करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। मैं आपको सिंपल तरीका दिखाता हूँ मैं चिकन कैसे बनाता हूँ। मैं चिकन लेके आया, इसको वॉश करूँगा एंड उसमें यूज़ करूँगा ये 19 रुपये का कर्ड, थोड़ा सा नमक एंड मेन ये टर्मरिक पाउडर जिसको हल्दी बोलते हैं। तो ये फटाफट इसको धो के मैरिनेट करके आधे घंटे से एक घंटे में छोड़ दूँगा, और मैं इसको पूरा नहीं बनाऊँगा, मैं अभी 2 मील बनाऊँगा देन फ्रिज में रख दूँगा, देन शाम को 1 मील बनाऊँगा, देन रात को 1 मील बनाऊँगा। सो आज से एक्चुअली मुझे फ़िश ऐड करना था बट भैया के पास फ़िश था नहीं, तो मैं सेम क्वांटिटी जो मैं डेली यूज़ करता हूँ 800 ग्राम ऑफ बॉयल चिकन वो ले आया। बट कल से मैं क्या करूँगा, 500 ग्राम चिकन, 300 ग्राम राइस, सॉरी फ़िश। भाई बोलने में दिक्कत हो रहा, पता है क्यों? कार्ब्स कम है तो समझ नहीं आ रहा मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ। सो ये कंप्लीट करते हैं मैरिनेट करके, और अंडे भी बॉयल हो रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के साथ मिलते हैं आपसे। ठीक है कि भाई अंडे तो बॉयल 10 मिनट में हुए नहीं, 10 मिनट में नहीं हुआ, अभी 5 ही मिनट हुआ लगा के, बट मुझे लग गई है भूख तो मैं इतना वेट नहीं कर सकता। सो आई एम टेकिंग बिग मशल का गोल्ड वे एंड इसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा 1.5 स्कूप लेने का अभी। एंड उसके बाद अंडा बॉयल भी हो जाएगा तब भी मैं तुरंत नहीं खाऊँगा। मैं मतलब मेरा प्लान ये रहता है कि मैं हर 1 से 1.5 घंटे में 40 ग्राम से 50 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करूँ। सो 1 स्कूप एंड ये आधा। सो मैं हर समय ये सोचता हूँ कि मैं हर 1 से 1.5 घंटा में खाऊँ, ना कि तुरंत अभी मैं प्रोटीन पिया अभी मैं एक खा लूँ अभी चिकन खा लूँ, वो नहीं करना है। तो और मैं कार्डियो करके आया हूँ, मुझे भूख लग जाती है यार, समझो। तो होता है कि बेनिफिट ये रहता है कि आप घर में जब रहते हो या आपके साथ कोई रहता है, तो अभी तक मैं अगर जिम से घर आया रहता और मम्मी को बता देता कि मम्मी 10 अंडे बॉयल कर पे लगा दो, तो मम्मी घर में कोई भी रहता तो कर देती। जैसे अभी मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ कि भाई अंडे बॉयल होंगे फिर खाऊंगा मैं, एंड अभी एनर्जी लो लो फील हो रही है तो और कुछ काम करने का भी नहीं है। मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए, सोचा कि तब तक प्रोटीन पी लेते हैं। एंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आपको चेकआउट करना है कर लेना। बाकी बजट फ्रेंडली प्रोटीन है, मैं प्रेप में पी रहा हूँ तो समझ लो कि बढ़िया होगा तभी मैं पी रहा हूँ, मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ। सो मुझे सपोर्ट करने के लिए BM कुनाल कभी भी आप खरीदते हो कुछ भी बिग मसल की वेबसाइट से तो प्लीज़ यूज़ कर लेना भाई, प्लीज़ मतलब प्लीज़। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले अपना ये देखा था वेबसाइट पे, तो उतना कोड यूज़ हो नहीं रहा है। मेरी कंपनी वालों से बात हुई तो मैंने बोला कि मैं पुश करूँगा, और तो मैं पुश कर रहा हूँ अपने आप को, बट आपका एक ही सपोर्ट है बस, कर लेना कोड भाई प्लीज़। बाकी ठीक है, उसके अलावा भी मेहनत तो चलते रहेगा, अब मैं कर रहा हूँ। अंडे के साथ मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का, बज रहे हैं 12:10 हो रहे, पास कर लो। सो 11 बजे मैंने
11:30 वे प्रोटीन पिया था एंड अभी 12 बज रहे हैं, तो यही होता है थोड़ा लेट हो जाता हूँ मैं कितना भी ट्राई करूँ काम कर लूँगा जल्दी जल्दी कर लूँगा बट नहीं हो पाता है। तो अकेले रह के प्रेप करना बहुत मुश्किल है बिलीव मी। अभी 12 बजे ये मैं पहला मील मानता हूँ, ये प्रोटीन को मैं मील नहीं कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मील मैं समझता नहीं हूँ, वो रॉ नहीं है पानी जैसा प्रोटीन फॉर्म में। तो इसमें है 10 होल एग, तो 10 एग है से 8 है एग वाइट्स एंड 2 है होल। मेरा पहला मील फटाफट कंप्लीट करता हूँ। देखो 12 बज गया, 4 बजे मुझे जिम के लिए रेडी होके निकलना है, पर है 4 घंटे, 4 घंटे में 3 मील, नहाना, एडिटिंग करना और हाफ एन आवर का स्लीप भी ज़रूरी है, बेटर बॉडी रिकवरी हो जाए और रेडी होके निकलना। बहुत टफ है, टाइम मैनेजमेंट बहुत टफ हो जाता है, बट दिस इज़ लाइफ, करना है तो करना है। तो कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपको सेकेंड मील में। हम लोग आ गए वापस। भाई मैं अभी बैठ के अपने पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग जो क्लाइंट्स हैं उनसे बात कर रहा था और उनका प्लान अपडेट कर रहा था, तो वो थोड़ा हो गया है बट 2-3 लोगों का और बचा हुआ है। तब तक मैं सोचा चलो मील कंप्लीट कर लेता हूँ और मील दिखा देता हूँ क्या खा रहा हूँ। दिस इज़ 250 ग्राम चिकन, ऊपर हल्का सा दही दिया हूँ, थोड़ा सा नमक और ये बॉयल बीन्स, ठीक है और कुछ नहीं। तो ये मेरा सेकेंड मील है, सेकेंड मील हो रहा है 2 बजे। अब मैं 3 बजे के आसपास में एक मील खाऊंगा, विल बी माई प्री वर्कआउट मील, उसके बाद नहा के जिम। सो यही है भाई, बोरिंग लाइफ है मुझे पता है, बट बॉडी मैं देखता हूँ कि सब लोग नहीं बना पाते हैं और इसके बाद कुछ फन करेंगे, बट ये कॉम्पिटिशन में बहुत सीरियस होकर खेल रहा हूँ। मैंने आपको भी प्रूफ करना है, बहुत लोगों को प्रूफ करना है और अपने फैमिली के लिए स्टूड अप होना है कि उनको लगे कि भाई मैं इतना दूर उनसे हूँ और किस लिए मुझे वो मेडल कैसे भी चाहिए। पावर लिफ्टिंग में मुझे पता है मैंने बहुत, मेरे हिसाब से मैंने नाम कमा लिया है और बट ऐसा नहीं है कि वो जर्नी ख़त्म हुआ है, वो जर्नी रुका नहीं है। मैंने बस एक नया स्पोर्ट की तरफ थोड़ा टाइम दिया है और मुझे लगता है कि ये स्पोर्ट में मैं ग्रो भी हो सकता हूँ कि मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा है। मैं देखा हूँ एटलीस्ट इनहेंस एथलीट को भी मैं देखा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अगर वो ड्रग्स या अननेचुरल चीज़ कर लूँगा इन फ्यूचर कभी भी, इससे प्लान तो भी है नहीं बट मे बी इन फ्यूचर मेरा थिंकिंग होता है कि 1 साल करके देखूँ बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करता है। तो अभी तो वो सेम गोल है नेचुरल रह के करने का, बट डिफरेंस तो रहता है बहुत असल हार्डनेस में एंड रिकवरी में, क्योंकि अभी तक मैं कार्डियो का रिकवर बॉडी हुआ नहीं। फटाफट मैं ये कि कंप्लीट करूँगा, थोड़ा काम करूँगा और 30 मिनट्स का पावर नैप लूँगा और मैं ऑलरेडी अपना मील के लिए लगा चुका हूँ, दैट इज़ 10 होल एग बॉयल लगाने के बॉयल पे चढ़ाया हूँ एंड चिकन भी बॉयल हो रहा है, फ्राई हो रहा है चिकन। तो ये सारे मील है, फटाफट काम करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस टाइम हो चुका है रेडी होने का जिम के लिए और 4 बजने वाले हैं, 10 मिनट बचा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, 4:10 4:15 तक निकल जाता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब का वीडियो डालना था, वो मैं अपलोड कर दिया, और आज का मैं रील अभी तक अपलोड और एडिट भी नहीं किया, वो निकलना पड़ेगा जिम में जाके काम करूँगा। ये है मेरा मील, दैट इज़ 50 ग्राम राइस और इसमें 10 होल एग है, 1 होल है और 9 एग वाइट्स है। तो ये मेरा प्री वर्कआउट मील है, हाई इन प्रोटीन मैं कंज्यूम कर रहा हूँ और मेरे पास अगर टाइम रहता तो मैं बता देता हूँ, बट फटाफट बता देता हूँ कि मेरा आप मील देखोगे, सुबह में पोस्ट वर्कआउट हाई प्रोटीन, उसके बाद चिकन एंड सैलड, प्रोटीन एंड फाइबर, अभी कार्ब्स है जो है प्री वर्कआउट मील में बट विथ हाई प्रोटीन। तो जितना भी मील है सुबह में मैंने वे प्रोटीन पिया, वो भी हाई प्रोटीन, बीच में मैंने क्रिएटिन भी पिया था इसमें बेड पर रख के। तो क्रिएटिन मैं स्टॉप नहीं करता हूँ, कटिंग के टाइम पे क्रिएटिन कोई भी स्टॉप मत किया करना। और ये मेरा मील है, ये कार्ब्स मैं सिर्फ ले रहा हूँ वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी के लिए, और साथ ही साथ अभी मैं मील बना भी चुका हूँ चिकन एंड राइस, तो ये खाऊंगा, उसको वॉश करूंगा और इसके बाद ही 100 ग्राम राइस एंड 250 ग्राम चिकन वो लेके मैं जिम जाऊंगा। जिम के जस्ट बाद मुझे बहुत भूख लग जाती है क्योंकि जिम के बाद मैं 30 मिनट्स कार्डियो भी कर रहा हूँ, बढ़ा दिया हूँ 20,000 करना रहता है, तो जिम के बाद भी करना बहुत ज़रूरी रहता है, तो वो मैं कंप्लीट करके मील भी जिम में खा लेता हूँ। तो ये खाता हूँ फटाफट, इसे मैंने सॉल्ट भी ऐड किया है, तो रॉ है एंड दिस इज लाइफ एंड मुझे मज़ा आता है ऐसे ही जीने में। अकेलापन आपको बहुत, आपका गोल अगर कुछ बड़ा है आपको अकेले रहना पड़ेगा, लोगों से दूर रहना पड़ेगा। अगर कुछ कोई लोग आपके लाइफ में आपको लगता है कि वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, आपको अपने गोल से दूर कर रहे हैं, तो आप उन लोगों से दूर हो जाओ, अपने गोल से मत दूर हो। तो फटाफट ये ट्रेन ये खाते हैं और जिम चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस रेडी हो गया हूँ और जिम के लिए निकलना है अभी, बट फटाफट
जाना होगा क्योंकि फोन आ रहा है और मैंने कपड़े भी धोए हैं, कपड़े को सुखाने में डालना है, तो बस मैं ये दिखा रहा था भाई बहुत काम रहता है। फटाफट निकलते हैं भाई, अब आपसे जिम में जाके बात करेंगे, लेट नहीं कर सकते हैं। 4:30 हो चुका है, नहीं 4:15 हुआ है, ठीक है। अभी तुम्हारा भाई स्मार्ट हो गया है थोड़ा सा, डेथ फेस का वेट कर रहा हूँ, डेथ फेस जब आएगा तब। ये देखो कपड़े धो के रखा हूँ, स्मार्ट तो है भाई तुम्हारा। अगला तो कारमेजी बनाऊंगा। भाई ये भाई को मैंने जिम में कार्नेस ट्राई करवाया, कैसा लग रहा है? कारमेजी है अगला, हाँ अगला कारमेजी बनाऊंगा। रैथिक्स वगैरह नहीं, अब अरे हो गया रैथिक्स से काम खत्म। सच में गाइस ये बढ़िया प्री वर्कआउट, ठीक है। बीएम को ना कर ले रहा, मैं भी बनाता हूँ। सो गाइस ये है पहला एक्सरसाइज, वो होने वाला बेंड ओवर रोज। मैं वेट ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, 80 kg तक लास्ट करूँगा, बट 5 सेट करूँगा 15 रेप्स इच। सो एक कंपाउंड, इसके बाद मशीन की एक्सरसाइज करूँगा। तो ये करते हैं, ये मेरा तीसरा सेट है सेम वेट से। एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव। ओह 50 ग्राम राइस ओनली, उसमें लिफ्ट करना है, बट डिप्लीशन फेज में जाना है तो करना पड़ेगा ऐसे ही। लेट्स गो। सो गाइस लैट पुल डाउन बेंड ओवर रोज के बाद चार सेट कर रहा हूँ अब, वो मैं 5 सेट किया। अब जितने मशीन के एक्सरसाइज करेंगे वो करूँगा 4-4 सेट, देखना बस बढ़िया। मैं पूरा नहीं दिखाऊँगा, सारे सेट का 5-5 रेप दिखाता हूँ। गाइस तीसरा एक्सरसाइज करने वाला हूँ मैं टी बार, एंड उसमें एक नया ग्रिप मैं कर रहा हूँ। पहले मैं वाइट पकड़ता था बट अब क्लोज कर रहा हूँ। इसमें बैक पे क्या रिएक्शन आता है आप पीछे से देखना। सो ये हमको वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज लगती है, बिकॉज इसमें क्या रहता है आपका चेस्ट लॉक रहता है एंड सिर्फ इससे मूवमेंट होता है। मैं क्या करता हूँ सबसे कोने में रखता हूँ उसको, आगे में रखूँगा तो पूरा स्टैंड नहीं कर पाऊँगा। अभी बाइसेप के 2 एक्सरसाइज है वो करते हैं और दिखाते हैं बाकी। पंप बाइसेप अभी ही हो चुका है बट ट्रेन करना ज़रूरी है, ओनली 2 मूवमेंट्स दैट्स इट। यहाँ पे वो वीडियो कंप्लीट, होप आपको मजा आया होगा देखने में। अब टाइम है पोजिंग, बॉडी फिजिक दिखाने आपको कैसा हो रहा है। और आज लिटरली मैंने इसी बैक का 4 एक्सरसाइज किया एंड पंप बहुत बढ़िया था। तो सबसे पहले मैं आपको बैक ही फ्लेक्स करके दिखाऊंगा। सो
बाकी गाइज फिजिक कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। अभी हम हैं 28-29 डेज आउट, सो स्टिल होल्डिंग ए लॉट ऑफ वाटर। बाकी करते हैं, मन नहीं होता कभी कभी करने का ट्रेनिंग, बहुत लो फील होता है, बट लगता है कि भाई और 20 दिन है और 30 दिन है, पुश कर लेते हैं, वो मोटिवेशन के साथ पुश कर रहे हैं। लेट्स सी, भगवान है देने वाला, जब देगा, ग्रोथ करने वाला देगा तब करेगा, तब तक के लिए खुद से मेहनत करते हैं। और अब घर चलते हैं, कुछ स्टेप्स बचा हुआ है तो वो कंप्लीट करते हैं एंड रात को मील के साथ मिलते हैं। लेट्स गो। गाइस आ गए हैं घर और अभी बज रहा है 9:15, सो इट्स वेरी गुड टाइम कि मैं 9 बजे तक घर आ गया हूँ। पूरा मील कंप्लीट हो गया है, बस एक डेढ़ स्कूप वे प्रोटीन में पीता हूँ सोने से पहले, क्योंकि मुझे वो शुगर मतलब क्रेविंग होता है, तो मैं फ्लेवर्ड वाला प्रोटीन पी लेता हूँ बिग मसल का, तो क्रेविंग भी चला जाता है, प्रोटीन इंटेक भी कंप्लीट हो जाता है। बाकी ये ऐड नहीं है मेरे रूटीन में, एक ही स्कूप है सुबह ये, बट मैं ये कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं कर सकता हूँ। सो अभी 9:15 हो रहे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 9:15, और मैं दिखा देता हूँ आपको स्टेप्स अभी तक तुम्हारे भाई ने किया है 11,980, मतलब 12,000 स्टेप्स किया मैंने, ठीक है। ये देखो दिख रहा होगा, दिख जा भाई, दिखता क्यों नहीं है, हाँ दिख गया, तो 12,000 स्टेप्स हुआ है, तो मुझे करना है अभी 8,000 और। सो 8,000 के लिए मैं जा रहा हूँ टेरेस पे, मतलब मेरा रूम जो है वो टेरेस पे हुआ, तो मैं जा रहा हूँ। और ये देहरादून में भाई सुबह गर्मी रहती है, शाम को ठंड हो जाती है, तो सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि कंपटीशन के टाइम पे मुझे बीमार नहीं होना है। ऑलरेडी लास्ट 3-4 महीने पहले मैं 1,00,000 रुपये गवा चुका हूँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गए पुणे में डेंगू के चलते। सो ऐसे ही दिन सही नहीं चल रहा है मेरा, और चलते हैं कार्डियो करते हैं, 20,000 स्टेप्स के बाद मिलते हैं, बाय। सॉक्स भी पहन लेता हूँ, अगर नीचे से मच्छर काट ले फिर ठंड लग जाए तो, इसलिए भाई पूरा रेडी। 10:30 बजे तक मेरा प्लान है, हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 11 बजेगा, चलते हैं। सो गाइज टाइम फॉर द लास्ट मील, और मैंने अपना स्टेप्स कंप्लीट कर लिया है। एज यूजुअल मैंने बताया था आपको कि मैं 11 बजे तक कंप्लीट करूँगा, और भाई 11:07 हो रहे, एक क्लाइंट का कॉल आ गया था तो उससे बात कर रहा था भाई से, बट हो गया था मेरा स्टेप्स, 300 स्टेप ज़्यादा चल लिया हूँ भाई से बात करते करते। ये देखो फिर से ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा, और कम कर लेता हूँ, ये देखो दिख रहा है भाई बहनचोद, दिख रहा है आज का है, ठीक है 10:58। सो यही है डेडिकेशन, तो अभी बनाते हैं लास्ट मील, उसमें क्या बनने वाला है आपको पता है, बट बॉडी दिखा देते हैं भाई। ये सारा मील कंप्लीट करने के बाद का कंडीशन है, ठीक है सारा मील। बाकी आज बैक में पंप बढ़िया आया था, सो कैमरा स्विच करते हैं इधर और आपको दिखाते हैं। बाकी अगर आपको लगता है ना कि ऐसा फिजिक सालों साल रख सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ देखने में अच्छा लगता है मुझे पता है, बाकी बढ़िया नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप को क्लेम करते हैं नेचुरल और ऐसा फिजिक रखते हैं, नहीं हो पाएगा भाई नेचुरल में, तो नहीं हो पाएगा। कुछ अगर ले रहे हो तो कर ले सकते हो, बाकी नहीं। सो मैं लेने वाला हूँ बिग मसल का नाइट्राइज, में एक स्कूप में आपको 32 ग्राम प्रोटीन है पर सर्विंग। सो मैं वे नहीं यूज़ कर रहा हूँ, वे मैंने सुबह यूज़ किया था, रात को सोने से पहले मैं नाइट्राइज यूज़ कर रहा हूँ, सुबह मैं 1.5 स्कूप नाइट्राइज। और मैं आजकल सिर्फ फ्लेवर अलग अलग पी रहा हूँ, क्योंकि चॉकलेट मैंने बहुत पिया, रॉकी रोड भी बहुत पिया, ये भी है मलाई कुल्फ़ी,
और जो गोल्ड वे है वो है स्मूथ बनाना क्रीम, एंड ये जो गोल्ड वे है ये है बेल्जियम चॉकलेट। सो जो भी मेरा क्रेविंग है चॉकलेट खाने का, आइसक्रीम खाने का, उसे भाई बिग मसल का प्रोटीन कंप्लीट कर रहा है। सो बंद हो जा भाई। हाँ सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मुझे पता है लंबा हो गया होगा, बट फिर भी मैं अपलोड करूँगा बिकॉज मुझे दिखाना था पूरा कि हाउ माई डेज गोज, कि भाई वीडियो से मम्मी को ही पता चलेगा कि उनका बेटा क्या कर रहा है दिन भर। ठीक है, बात तो होती है बट ये भी दिखाना ज़रूरी है। बाकी लास्ट मील गुड नाइट, बाय बाय।